अपने अपने घर में अपनी अर्धांगनी अथवा अपने पत्नी को लाते हैं, और हो सकता है कि किसी घर में बच्चियां भी हैं, अगर उन लोग को लाते हैं ज्यादा उन लोग का ये कहावत है सुने ना, तो सीखने में जो ट्रेनर होते हैं उसे सीखने में एक आप जाके घर बताइएगा उसमें बहुत अंतर होता है, पता है ना। जैसे कि अभी सावन माह आ रहा है, जो अभी सहने बोले कि अभी सावन माह है तो पहले कहावत सुने हैं ना कि पहले खुद घर में दिया जलाया था तब मंदिर में दिया जलाया था। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जागरूक काम तो करते हैं, पहले खुद मजबूत बने, अपने घर को मजबूत बनाए। कहने का मतलब है जो हमारे बच्चा है बच्चिया है, हम लोग तो आज के भविष्य है, लेकिन कल आने वाला भविष्य मेरे बच्चा लोग है, तो पहले तो हम लोग अपने माध्यम से उन लोग को हम लोग मजबूत बनाएंगे, और आने वाले पीढ़ी को हम लोग एक मिसाल बनाकर सामने लाएंगे। इस तरह के है कि पहले है कि हमारी घर की महिला लोग अगर जितना समझती है तो अपने बच्चों के, अगर बच्चा नहीं भी आए ना तो अपने जो सीख जाती है अपने बच्चों को जरूर सीख तो बताती है। और कहने का मतलब यह है अगल बगल जो खुद में अगर परिवर्तन लाते हैं, अगर हम मानते हैं त्यौहार हम कर रहे हैं, त्यौहार कर रहे हैं, अगर हम त्यौहार छोड़ते हैं, अगर सब त्यौहार हम करते अगर हम छोड़ते तो जरूर 10 महिला पूछेगी कि आप क्यों नहीं किए, आप तो त्यौहार करते थे क्यों नहीं किए। इस तरह के है कि देखा देखिए जब हम अपनी बातों को उन लोगों को बताएंगे, क्या हम 10वीं महिला को बताएंगे, अगर अगल बगल हम घूमते हैं तो अनेकों महिला को भी बता सकते हैं। इस तरह के धीरे धीरे जब जो जानती जो चार दीवारी में महिला रहती हैं वो जानती है बाबा साहब के बारे में, उनके जीवनी के बारे में कैसे कैसे संघर्ष करके यहाँ तक हम लोग जो आज हम लोग इतना अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, पहन रहे हैं, चाहे इस पोस्ट पर है कोई भी पोस्ट पर आइए से हमारे बच्चे लग जाए, जो भी हमारे समाज के लोग हैं जो भी हैं आज हमारे बाबा साहब दिया हुआ है कि आज इतना हम लोग ऊपर तक है। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले हम मजबूत नींव कहते कि जब हम लोग घर छाते हैं तो पिलर जो होता है नींव बोलते हैं वो मजबूत रहेंगे तब हम 10 साल तक जा सकते हैं, अगर वो हम मेरा कमजोर पड़ जाएगा तो हम आगे वो जब हम 10 साल बनेंगे तो ढह सकता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जहाँ भी अगल बगल जो भी भीम चर्चा जो भी करते हैं तो आप लोग कम से कम अपनी बच्चियां को अपने परिवार को जरूर लाए और जरूर समय दे। घर के तो जिंदगी भर काम है, घर के किसको ने काम रहता क्या, सब आप लोग का कुछ ना कुछ जरूर काम होगा, खेती बाड़ी के है, हम लोग भी जानते हैं कि सब सर्विस वाले नहीं है, हम लोग भी किसाने हैं, है ना। इस तरह के समय निकालते हुए उन लोग को भी प्रेरणा दीजिए, उन लोग को प्रेरित कीजिए कि चार दीवारी से बाहर निकले कम से कम महीना दो महीना में जो भी मीटिंग होती है कम से कम अपने महिलाओं को लाइए और सुनी जाए। जैसे कि हमारी दीदी हैं कि सुषमा दीदी हमेशा अधिवेशन में जाती हैं, हम भी थोड़ा कम घूमते हैं टाइम की वजह से, हम भी कुछ विभाग में एनजीओ में करते हैं काम, इसलिए है कि संडे के ही हमारे पास टाइम रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना जागरूक होगी महिला लोग उसे कहा सुने कि एक पीढ़ी पड़ गई पांच पीढ़ी तर गई वो कहा सही है, अगर एक महिला अगर समझदार बनती है तो अपने आने वाले बच्चों को जरूर ये बात बताएंगे। हम लोग जब थे बचपन में तो हम लोगों ने घर में क्या देखा, सरस्वती का संतोषी का काली का ये फोटो देखा, अगर हम लोग शुरू से बाबा साहेब का अबू जी के रविदास जी के फोटो हम लोग टांगते हैं तो जरूर पूछेंगे मम्मी किसका फोटो है, तो इनको हम इनको जो बीती हुई जीवनी है उस सब के हम बताएंगे तो जरूर मेरा आने वाला पर जरूर सुधरेगा। अगर हम अभी नहीं सुधार पाते हैं अपने आप को नहीं है कि हम पूरा हम लोग जागरूक होते एकता नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल मेरा एकता जरूर होगा। इसी के साथ अपने वाणी पे विराम। DK Art Garhwa